नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 सोची पर्यावरणम, सोची पवित्र पर्यावरणम, पर्यावरण पर्यावरण पवित्र हो, इसका नेक्स्ट श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, कज्जल मीन्स काजल, मलिनम मीन्स काला। तो कज्जल मलिनम, काजल काला, मतलब इसमें समास है कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान काला। धूमम, क्या धुआं। सत्शक्तियानम, सैकड़ों मोटरयान मुंचती छोड़ते हैं, सैकड़ों मोटरयान छोड़ते हैं काजल के समान। कज्जल मलिनम, काजल के समान काला। धूमम, धुआं। सत्शक्तियानं, सैकड़ों मोटरयान मुंचति छोड़ते हैं। तो यहां पर मुंचति ये क्रिया है, इसका कर्ता क्या होगा? सत्शक्तियानं, छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? धुआं। कौन छोड़ता है? सत्शक्तियानं, सैकड़ों मोटरयान। तो सत्शक्तियानं कज्जल मलिनं धूमं मुंचति, ये वाक्य बन गया। अब आगे देखिए, वाष्प यान माला मीन्स रेलगाड़ी। ध्वानम का मतलब ध्वनि, जिसको कोलाहल बोल सकते हैं। वितरंती फैलाती हुई, संधावती मीन्स दौड़ती है, संधावती मीन्स दौड़ती है। तो यहां पर वितरंती फैलाती हुई, क्या फैलाती? ध्वानम, ध्वनि को, ध्वनि को फैलाती हुई वाष्पयान माला रेलगाड़ी संधावती दौड़ती है। दौड़ती कौन है? रेलगाड़ी, ये कर्ता हो गया, और संधावती क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, क्या फैलाती हुई? ध्वानम, ध्वनि को। तो ध्वनि को फैलाती हुई रेलगाड़ी दौड़ती है। याना नाम पंक्तयः, यानों की पंक्तये, पंक्तियां, लाइन। ही अनंता मीन्स अनंत है, लंबी लाइन है, उससे क्या होता है? संचरणम, चलना। कठिनम, कठिन होता है, उससे चलना कठिन होता है। याना नाम पंक्तये ही अनंता, यानों की पंक्तियां अनंत हैं। संचरणम कठिनम, चलना भी कठिन है। अब नीचे अन्वय है, इस श्लोक को ओर्डर में लिखा गया है, जिसका हम कर्ता क्रिया और कर्म आसानी से जान लेते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर हम बहुत ही अच्छी तरह से दे देंगे। सत्शक्ति यानम का मतलब सैकड़ों मोटर यान। कज्जल मलिनम, काजल के समान काला। धूमम, धुआं। मुंचती, छोड़ते हैं। सैकड़ों मोटरयान काजल के समान काला, धुआं छोड़ते हैं। ध्वानम, ध्वनि को वितरंती फैलाती हुई। वाष्पयान माला रेलगाड़ी संधावती दौड़ती है, ध्वनि को फैलाती हुई रेलगाड़ी दौड़ती है। याना नाम यानों की अनंता, अनंत कभी भी अंत नहीं होने वाली, ये निश्चय ही। यानों की अनंत पंक्तये, पंक्तियां हैं, यानों की अनंत पंक्तियां हैं, यहां पर संति ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, संति का मतलब है। अतः इसलिए संचरणम, चलना कठिनम भवति, कठिन होता है। चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि याना नाम अनंता पंक्तये, यानों की अनंत पंक्तियां हैं। अब देखेंगे हम शब्दार्थ। कज्जल मलिनम, कज्जलेन, कज्जलेन मलिनम, काजल सा मलिन, काला। ठीक है, अब धूमे मीन्स अग्निवाह, धूमे मीन्स अग्निवाह, जिसको धुआं भी बोलते हैं। मुंचति छोड़ता है, और त्यजति का मतलब भी छोड़ता है, ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सत्शक्ति यानम, सत्शक्तियानाम, शक्तियानाम शतम्, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। शक्तियानाम शतम्, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला, तो वाष्पयानाम पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्ति। यहां पर केवल रेलगाड़ी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है गलती से, तो यहां पर वाष्पयानाम, यहां पर बहुवचन है, रेलगाड़ियों की पंक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास। वितरंती फैलाती हुई, देती हुई, वितरंती, ददती देती हुई, वितरणम करवाना, वितरण करती हुई,
देती है, ठीक है। ध्वनम, ध्वनम मीन्स ध्वनिम या कोला। संचरणम, संचलनम, संचलनम का मतलब चलना। विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द में मुंचति छोड़ना, ग्रहणाति ग्रहण करना, मलिनम गंदा काला, निर्मलम स्वच्छ अच्छा, कठिनम कठिन, शरणम सरल। अब क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनम वितरंती का संधावती, ध्वनि को फैलाती हुई कौन दौड़ती है का संधावती। तो यहां पर आंसर क्या होगा, वाष्पयान माला। ये देखिए आंसर नीचे लिख दिया गया है, वाष्पयान माला, और ऊपर श्लोक में भी आपको प्राप्त होगा। शत शक्ति यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां किम मुंचती क्या छोड़ती हैं, धूमम छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां क्या छोड़ती हैं, धूमम, इसके विषय में हम जान चुके हैं। और केशाम पंक्तय धावंती, किनकी पंक्तियां दौड़ रही है, यानाना सत शक्ति याना। तो देखिए याना नाम यानों की पंक्तियां दौड़ रही हैं। और कज्जल मलिनम धूमम किम मुंचति, काजल के समान धुआं कौन छोड़ती है। सत शक्ति याना, सैकड़ों मोटर गाड़ी, सत शक्ति यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती हैं, ये हम श्लोक में देख चुके हैं। और दोबारा भी देखना चाहें तो आओ देखते हैं, चारों प्रश्न देखते हैं एक साथ। देखिए सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती, ध्वनि को फैलाती हुई वाष्पयान माला संधावती दौड़ती है, यानों की पंक्तियां अनंत हैं, चलना कठिन हो गया है। ठीक है, हो गया होगा आपको क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाष्पयान माला किम कुर्वंती संधावती, वाष्पयान माला क्या करती हुई दौड़ती है। तो देख ली, ये देखा था हमने ध्वानम, ये या की जगह वा फटेंगे आप, ध्वानम, वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। देखिए ऊपर ही ऊपर वाष्पयान माला, ये आंसर है, ध्वानम वितरंती संधावती, वाष्पयान माला ध्वनि को फैलाती हुई दौड़ती है। ये प्रश्न हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानगरेषु संचरणम कठिनम किमर्थम भवति, महानगरों में चलना कठिन कैसे हो गया है, क्योंकि महानगरों में चलना कठिन इसलिए हो गया है, देखो यानानाम अनंता पंक्तया, इसलिए कठिन हो गया। महानगरों में यानों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, अतः संचरणम कठिनम, इसलिए चलना कठिन हो गया। ऊपर देखना चाहते हैं श्लोक में तो देख लीजिए कि याना नाम पंक्तय ही अनंता, इसलिए संचरणम कठिनम, चलना कठिन हो गया है, देख चुके हैं। अब आगे के प्रश्न देखिए, छोटे प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, ये निर्देश के अनुसार उत्तर। कज्जल मलिनम काजल के समान काला धूमम धुआं मुंचति छोड़ती हैं सत शक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां। इत्यस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, इत्यस्मिन इस वाक्य वाक्य में कर्तृपदम कर्ता किम अस्ति क्या है। तो स्पष्ट देख लीजिए कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं, तो काला धुआं छोड़ने वाली कौन है, सत शक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ी, ये कर्ता हो गया, ये कर्ता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पयान माला इति पदस्य क्रियापदम किम अत्र अस्ति, क्रियापद क्या है। तो वाष्पयान माला दौड़ती है, संधावती, देखो वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती, ध्वनि को फैलाती हुई संधावती दौड़ती है, ऐसा ही तो है श्लोक में, तो इसका क्रियापद होगा संधावती। ठीक है, नेक्स्ट है त्यजति, इति अस्मिन् अर्थे के शब्द है अत्र प्रयुक्त है, त्यजति का यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, त्यजति का मतलब छोड़ता है या छोड़ती है, तो त्यजति है छोड़ता है, छोड़ती है का यहां पर आंसर है मुंचति, इसका पर्यायवाची मुंचति हो गया। कज्जल मलिनाम धूमम मुंचति सत शक्तियां इत्यत्र, यहां पर विशेषण पदम की मत रस्ती, विशेषण पद क्या है, हम बात कर चुके हैं इस विषय में, तो विशेषण पद यहां पर कज्जल मलिनाम,
यह है विशेषण। जल मलिन, ठीक है। गृहणाति इति अस्य विलोम पदम किम अस्ति? गृहणाति ग्रहण करना और मुंचति छोड़ना, ये विलोम पद है। फिर है आगे, अत्र अव्यय पदम किम अत्र अस्ति? यहां पर अव्यय पद क्या है? अत्र अव्यय पदम, तो यहां पर कहा इन चार में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद है ही ये। अब उत्तरायण नीचे भी दिए हुए हैं, देखिए फर्स्ट का आंसर सतशक्ति यानम, सेकंड संधावति, थर्ड मुंचति, फिर कज्जल मलिनम, फिर मुंचति और फिर ही, इस प्रकार से आंसर है। और व्याकरण नीचे भी है जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले पहला ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं एकदम क्लियर हो जाने वाला है, इसमें से एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप आंसर निश्चित रूप से दे सकते हैं। धूमम मुंच, देखो धूमम मुंचति, यहां पर संधि विच्छेद है, धूमम मुंचति कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि है, तो यहां पर जो अनुस्वार लगा हुआ है इसके स्थान पर हम मैं कर देंगे, तो ये हमारी संधि होगी धूमम मुंचति। याना नाम पंक्तये, यानों की पंक्तियां, यहां पर जो अनुस्वार लगा हुआ है ना के ऊपर, यहां पर हम मैं कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा याना नाम फिर प्लस पंक्तय। ही अनंता, ही अनंता, तो यहां पर देखिए ये यण संधि है और ही और अनंता, ये संधि विच्छेद हुआ। यहां पर भी समधावती, तो जो ऊपर ये स्वर अनुस्वार है इसको मैं लिख देंगे सम और धावती, ये अनुस्वार संधि। फिर नेक्स्ट ये पंक्तयो ही अनंता, पंक्तयो यहां पर ये में ओ की मात्रा है, यहां पर ओ की मात्रा हटाएंगे और यहां पर विसर्ग लगाएंगे, इसको बोलते हैं उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, और ही अनंता ये यण संधि। तो इसमें दो संधियां हो गई, कौन सी? दो संधियां, पंक्तये विसर्ग प्लस ही, इसमें उत्व विसर्ग संधि, ही प्लस अनंता, इसमें यण संधि। फिर नेक्स्ट है संसरणम, वो ही सम ऊपर अनुस्वार है तो इसको हम मैं लिख देंगे सम, और फिर शरणम संसरणम, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? अनुस्वार लिख देंगे संसरणम, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए समास, समास विग्रह वा पदानि, समास है विग्रह समास नमा, ठीक है। अब देखिए कज्जल मलिनम, इसके विषय में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कज्जल मलिनम कज्जलम इव, कज्जल के समान, मलिनम मलिन काला, तो इसमें है कर्मधारय समास। कज्जलम इव मलिनम, काल काजल के समान काला, ठीक है। यहां पर जो इव लगा रहे हैं हम संज्ञा के पहले लगाएंगे और लास्ट में इव के बाद में जो है विशेषण है। तो कर्मधारय समास दो प्रकार के होते हैं, एक विशेष्य और विशेषण वाले। जब व्याकरण पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे, समास प्रत्यय संधि से संबंधित कोई प्रश्न गलती ही नहीं हो सकता। देखेंगे शक्ति यानम, शक्ति यानम, तो सतस्य शक्ति याना नाम समाहार है, द्विगु समास है, जिसमें पहला पद सत शक्ति यानम, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पर ये क्या होता है? द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। यहां पर शक्ति यान में लिखा हुआ है, यहां पर ये क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए शत और होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शत। ये देखो लिख देते हैं अभी शत, शत शक्ति यान लिखते समय कंप्यूटर में गलती हो जाती है, ये हो गया। अब सत शक्ति यानम, सतस्य शक्ति याना नाम समार है, द्विगु समास, सतस्य याना नाम समार, सतस्य शक्ति याना नाम समार है, द्विगु समास। वाष्प यान माला, वाष्प याना नाम, वाष्प यान माला, ठीक है, वाष्प याना नाम माला षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि वाष्प याना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो रेलगाड़ियों की माला का मतलब पंक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास।
यान पंक्तये याना नाम पंक्तये, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानों की पंक्तियां, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहां पर फिर गड़बड़ हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो ये देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखेंगे अनंता नय अनंता, नय अनंता, तो नय तत्पुरुष समास है। क्या है? नय तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय विभाजनम पदानि, उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय, तो देखिए वितरंती, वितरंती में भी उपसर्ग है और त्रि धातु है, सत्री प्रत्यय है और कीप प्रत्यय, तो वितरंती का मतलब फैलाते हैं।